हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे चार प्लेटफॉर्म के बारे में जो कि आपको दो प्लेटफॉर्म आपको तुरंत ही वीडियो अपलोड करेंगे और जो आपकी अर्निंग है वो यहां पर स्टार्ट हो जाएगी। इसी के साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आखिर इन पर आपको क्या क्या करना होगा और किस तरीके से आपको यहां पर वीडियो अपलोड करना होगी। दो प्लेटफॉर्म के बारे में मैं आपको ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बताऊंगा जो कि आप वहां पर मोनेटाइजेशन करवा के और आप वहां पर अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं इन चारों प्लेटफॉर्म के बारे में। मैंने पिछली वीडियोस में बताया भी था कि जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो हम इन इन टॉपिक्स को यहाँ पर कवर करेंगे कि आखिर हम कौन कौन से प्लेटफॉर्म से पैसे कमा सकते हैं जेन्युइन तरीके से और अपने मोबाइल से ही। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जो कि सबसे अच्छे प्लेटफॉर्म है, बिल्कुल यूट्यूब की ही तरह है, ठीक है। सबसे पहले नंबर पर आ जाता है यूट्यूब और दूसरे नंबर पर आ जाती है फेसबुक। तो इन दोनों फेसबुक और यूट्यूब से रिलेटेड मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई दिया है कि आपको आपको कौन कौन सी जिसकी टर्म कंडीशन है वो आपको यहाँ पर कंप्लीट करना होती है और आपका तब जाकर यहाँ पर मोनेटाइजेशन होगा। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में जो कि वहाँ पर आपको किसी भी तरीके की टर्म कंडीशंस को आपको कंप्लीट करना नहीं है और आपको दो प्लेटफॉर्म मैं आपको बताने वाला हूँ। दोनों ही प्लेटफॉर्म बिल्कुल जेन्युइन हैं और आप वहाँ पर वीडियो अपलोड करके वहाँ पर पैसा कमा सकते हैं। तो किस तरीके से कमा सकते हैं चलिए जान लेते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियोस को लाइक नहीं किया तो वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप काफ़ी लोगों को यही पता नहीं है कि आखिर फेसबुक पर कितनी कितनी क्या क्या टर्म कंडीशंस होती हैं और किस तरीके से हम पैसे कमा सकते हैं। तो इससे रिलेटेड मैंने पहले ही वीडियो बना दिए, तो आप उस वीडियोस को देख सकते हैं एंड स्क्रीन पर या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं डेली मोशन के बारे में जो कि एक ऐसी वेबसाइट है जो कि वहाँ पर आप पहले ही वीडियो अपलोड करेंगे तो इससे यह है कि आपकी जो वीडियो है वो मोनेटाइजेशन हो जाएगी और आपको वहां पर पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे। यहां पर आपको सिंपल तरीके से एक अकाउंट बनाना होता है। अकाउंट बनाते ही जो आपका अकाउंट है वो समझो एक्टिव हो जाता है, मोनेटाइजेशन है वो एक्टिव हो जाता है, ठीक है। अगर आप डेली मोशन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से भी, इसी के साथ में आप क्रोम पर भी जाकर इसे सर्च कर सकते हैं और इस पर आप वीडियो देख सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आप एक वीडियो बनाते हैं तो एक वीडियो चारों प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर सकते हैं। इससे यह है, अगर आपका एक कैटेगरी का चैनल है तो उस कैटेगरी के चैनल आपको चारों प्लेटफॉर्म पर बना लेना है सेम नाम से, ठीक है। इससे यह फ़र्क पड़ता है, अगर आप एक वीडियो बनाते हैं तो वो चारों प्लेटफॉर्म पर आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो आपकी जो कमाई है वो चारों टिया से आएगी। अगर मान लो 10,000 रुपए आई बहुत ही कम में कम, ठीक है, तो आपकी 40,000 रुपए हो गए घर बैठे ही एक मंथ में, ठीक है। इसी के साथ में हम बात कर लेते हैं दूसरे प्लेटफॉर्म की, वो है जो कि rumble.com, ठीक है। rumble.com क्या है, जैसे कि एक YouTube की ही तरह एप्लीकेशन है और आप इस पर अकाउंट बना सकते हैं, इस पर भी वीडियो अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं rumble.com पर हम किस तरीके से अकाउंट बनाते हैं, किस तरीके से वीडियो अपलोड करते हैं। तो मैंने यहाँ पर गूगल में लिखा rumble.com, ठीक है, इस तरीके से लिखकर मैंने यहाँ पर सर्च किया और हमारे सामने कुछ इस तरीके से यहाँ पर आ चुकी है ये वेबसाइट। उसके बाद में हम डेस्कटॉप साइड कर लेंगे और आप यहां पर देख सकते हैं बिल्कुल यूट्यूब की ही तरह यहां पर ये ओपन हो रही है, ठीक है। उसके बाद में हम यहां पर साइनअप पर सिंपली क्लिक करेंगे। साइनअप पर सिंपली क्लिक करने के बाद आपको यहां पर अपना फर्स्ट नेम, यूजर नेम, पासवर्ड और इसी के साथ में री पासवर्ड और आपको ईमेल आईडी और री ईमेल आईडी और आपको कंट्री, इसी के साथ में डेट, मंथ, ईयर और आपको यहां पर रेफरल कोड, ठीक है। रेफरल कोड नहीं है तो आपको यहां पर डालने की ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ में एड्रेस डालेंगे और टू एड्रेस डालेंगे, इसी के साथ में सिटी, स्टेट और आपको अपना पोस्टल कोड यानी कि जिसे हम पिन कोड बोलते हैं वो कोड आपको यहां पर एंटर करना है। इसी के साथ में अपना यहां पर मोबाइल नंबर डालना है और आपको इन टर्म कंडीशंस को यहां पर एक्सेप्ट कर लेना है और आपको रजिस्टर पर सिंपली क्लिक कर देना है। इतना जैसे ही रजिस्टर कर देते हैं तो आपके मेल है उस पर आपको एक लिंक भेजा गया होगा, यहाँ से आपके पास एक मेल भेजी गई होगी, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ से सिंपली कट करते हैं और अपनी मेल यहाँ पर हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आप देख पा रहे हैं rumble.com की तरफ से हमारे पास एक लिंक यहाँ पर आ चुका है, इस पर हम सिंपली क्लिक करेंगे और जो हमारा अकाउंट है वो यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएगा। आप देख सकते हैं
यहाँ पर आपको अपना यूजर नेम और पासवर्ड आपको यहाँ पर एंटर करना है। तो चलिए हम अपना यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पर हम एंटर कर देते हैं, सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सिंपली क्लिक कर देते हैं तो जो आपका अकाउंट है वो यहाँ पर सक्सेसफुल वेरिफिकेशन हो जाता है। उसके बाद में आपको यहाँ पर प्लस का आइकन भी देखने को मिल रहा है। आप चाहें तो यहीं से ही वीडियो को अपलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से सिंपली कट करूँगा। कट करने के बाद में हम वहीं पर जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर हमें साइन का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर हम सिंपली क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आपके सामने यहाँ पर टोटल अमाउंट यहाँ पर आ चुका है। कहने का मतलब है जो अमाउंट है वो अभी हमारा यहाँ पर जीरो है। कहने का मतलब हमने यहाँ पर एकदम बिल्कुल न्यू अकाउंट बनाया है। यहाँ पर आप YouTube की अर्निंग देख सकते हैं, इसी के साथ में थर्ड पार्टी और आपको यहाँ पर रंबल अर्निंग देखने को मिल रहा है। टोटल अमाउंट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसी के साथ में आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है एक्टिव मंथली जो कि सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है। तो आप यहां से कर सकते हैं। तो इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहां पर हमें मिल रहा है प्रोफाइल का आइकन, इस पर हम सिंपली क्लिक करेंगे। या फिर आप दूसरे तरीके से भी आप यहां पर कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहां पर प्लस के आइकन पर सिंपली क्लिक करूंगा। यहां पर मैं लिखूंगा rumble.com। उसके बाद में अपने मोबाइल के अंदर हमने rumble.com द्वारा यहाँ पर सर्च किया है। उसके बाद में हमने यहाँ पर लॉग इन भी कर लिया है। उसके बाद में आप क्या करेंगे, हम यहाँ पर अपने प्रोफाइल के आइकन पर सिंपली क्लिक करेंगे। यहाँ पर मिल रहा है अकाउंट ओवरव्यू, ठीक है, इस पर हम सिंपली क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में जो सारी डिटेल्स है वो हम यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर हम वीडियो अपलोड करेंगे, इस प्लस के आइकन पर सिंपली क्लिक करेंगे और हमें मिल रहा है अपलोड वीडियो, ठीक है, इस पर हम सिंपली क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम सिंपली इस पर क्लिक कर देते हैं तो आप यहां पर देख सकते हैं सारा कुछ यहां पर आ चुका है, जैसे कि वीडियो टाइटल, डिस्क्रिप्शन, और आप वीडियो की यानी कि प्राइवेट रखना चाहते हैं या फिर पब्लिक रखना चाहते हैं, वीडियो की कैटेगरी क्या है, थंबनेल क्या है, इसी के साथ में आप यहां पर सब कुछ लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए हम इस आइकन पर सिंपली क्लिक करेंगे, परमिशंस को अलाउ कर देंगे। यहां पर हमारी जो वीडियो होगी हम उस वीडियो को यहां पर सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैं यहां पर अपनी वीडियो का एक इंट्रो टाइप पर हमारी जो वीडियो है वो हम यहाँ पर अपलोड कर देते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो वीडियो है वो हमारी यहाँ पर अपलोड होना शुरू हो चुकी है, ठीक है। तो हम यहाँ पर कुछ सेकंड यहाँ पर वेट करेंगे। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जैसे कि हमारी वीडियो यहाँ पर जब तक अपलोड हो रही है तो हम यहाँ पर टाइटल और डिस्क्रिप्शन वगैरह सब कुछ यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, मैं आपको सिर्फ इसी अभी सिर्फ यहाँ पर लिख के सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद में अपनी वीडियो की प्राइमरी कैटेगरी आप यहां पर सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैं यहां पर सिलेक्ट कर लेता हूं, जो मेरी कैटेगरी है वीडियो की अटेंडमेंट से रिलेटेड है, हालांकि टेक्नोलॉजी से ही रिलेटेड है, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं, ठीक है। उसके बाद में आपको यहां पर मिल जाता है सेकेंड कैटेगरी, ठीक है, यानी कि जो आपकी वीडियो है किस कैटेगरी में आती है, सेकेंड यानी कि दूसरी कैटेगरी। कई बार ऐसा होता है जो आपकी वीडियो है दो कैटेगरी में आती है, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पर जैसे कि सिलेक्ट कर देता हूँ वीडियो गेमिंग ऑनलाइन, ठीक है। इसी के साथ में अब आपकी जो वीडियो का टैग है वो आप यहाँ पर डालेंगे, जैसे कि YouTube में डालते हैं, ठीक है। अपनी वीडियो का यहाँ पर थंबनेल सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ से ही थंबनेल को सिलेक्ट कर लिया है। अब यही थंबनेल हमारा दिखेगा, आप यहाँ से थंबनेल को अपलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल तो मैंने वही यहाँ पर थंबनेल अभी सिलेक्ट कर लिया है, तो यूट्यूब का जो थंबनेल है वो भी यहाँ पर चल जाता है, ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया है, ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ पर पब्लिक रखना है, अनलिस्टेड रखना है, वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। जैसे कि मैं वीडियो को अभी अनलिस्टेड कर देता हूँ, क्योंकि अनलिस्टेड करके ही हमें वीडियो को अपलोड करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में हम अपलोड पर सिंपली क्लिक कर देंगे। आपके सामने कुछ इस तरीके से आएगा, पहले ऑप्शन पर आप सिंपली क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पर टर्म एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट कर लेना है और आपको सबमिट पर सिंपली क्लिक कर देना है। आपको यहाँ पर कुछ सेकंड यहाँ पर वेट कर लेना है, इससे यह है कि जो आपकी वीडियो है वो यहाँ पर प्रोसेसिंग में चलती है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पर सिंपली क्लिक कर दिया है। क्लिक करने के बाद में अब आपको यहाँ पर कुछ सेकेंड यहाँ पर वेट कर लेना है। उसके बाद में हम यहाँ पर कंटेंट पर सिंपली क्लिक करेंगे, मैं इस पर सिंपली ऐसे ही डायरेक्ट क्लिक कर देता हूँ। हमारी जो वीडियो है वो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ऊपर वाली जो वीडियो है अभी यहाँ पर मोनेटाइजेशन यानी हो रहा है, कहने का मतलब जो हमने वीडियो अभी अपलोड की है वो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, रेडी टू शेयर मोनेटाइज
पेंडिंग, ठीक है। और जो दूसरी वीडियो हमारी अपलोड हुई भी है वो भी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, मोनेटाइजेशन इसका ऑन हो चुका है। इसी के साथ में अब वीडियोस को पब्लिश करना है, क्या क्या करना है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। थ्री डॉट पर आप सिंपली क्लिक करेंगे, वीडियो का आप यहां पर एग्रीमेंट देख सकते हैं, डाउनलोडिंग कर सकते हैं, टोटल व्यू देख सकते हैं, व्यू लॉगिन और एडिट, और इसी के साथ में वीडियो को डिलीट भी कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कोई वीडियो गलत है तो वो आप यहीं से ही डिलीट कर सकते हैं। वीडियो को अगर आप एडिट करना है तो इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर कोई भी वीडियो सही में उसे अनलिस्टेड में यहाँ पर वीडियो को पब्लिश करता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सिलेक्ट करूँगा और आप देख सकते हैं ये अनलिस्टेड है। मैं यहाँ से सिंपली क्लिक करूँगा और यहाँ से आप वीडियो में कैप्शन भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ में हम चलिए सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद जो हमारी वीडियो है वो यहाँ पर देख सकते हैं और चेंजेस हैव बीन सेव, ठीक है। हम यहाँ से इसे क्लोज करेंगे और इस वीडियो को कहीं पर भी हम इसे पब्लिश कर देंगे, ठीक है, यानी कि शेयर भी कर देते हैं, ठीक है। तो अभी हम इस शेयर कहाँ से करेंगे, इस वीडियो पर हम सिंपली क्लिक करेंगे। अब जो आपकी वीडियो है वो यहाँ पर चलना शुरू हो जाएगी, जैसे कि अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं मैं इस वीडियो को प्ले कर रहा हूँ और जो ऐड है यानी कि जो हमारी वीडियो पर ऐड है वो चल पड़ा है, ठीक है। जबकि मैं यहाँ पर अभी थोड़ा इसे जूम कर लेता हूँ, ठीक है, और हमारी वीडियो पर जो ऐड है वो यहाँ पर चल रहा है और हम यहाँ से स्किप कर देंगे, बिल्कुल यहाँ पर यूट्यूब की ही तरह है। और आप यहां पर देख पा रहे हैं दूसरा ऐड यहां पर लग चुका है, ठीक है। कहने का मतलब है मोनेटाइजेशन यहां पर ऑन हो चुका है। अब जो भी वीडियो आपकी अपलोड होगी और उससे जो भी कमाई होगी वो आप यहां से निकाल सकते हैं। वीडियो को आप यहां पर लाइक कर सकते हैं, शेयर अपने दोस्तों के साथ भी यहां से कर सकते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पर एक। तो आज की इस वीडियो में आपने जाना कि आखिर हम rumble.com पर किस तरीके से अकाउंट बना सकते हैं, वीडियो अपलोड कर सकते हैं, अर्निंग किस तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए कुछ बातें हैं मैं आपको यहाँ पर खास खास बता देता हूँ, अगर आप इस पर वीडियो अपलोड करते हैं तब, ठीक है। आपकी वीडियो का जो मोनेटाइजेशन है ऑन होने में वीडियो आपकी पूरी चेक होगी, उसके बाद में जो आपका मोनेटाइजेशन है वो ऑन कर दिया जाएगा, उस पर ऐड है वो लगा दिए जाएंगे, ठीक है। इसी के साथ में आप यहां पर सिंपली प्रोफाइल पर सिंपली क्लिक करेंगे, आप यहां पर देख सकते हैं स्टार्ट अर्निंग, ठीक है। तो आप अर्निंग पर सिंपली क्लिक करके आप यहां पर अर्निंग चेक कर सकते हैं, ग्राफ देख सकते हैं। आप प्रोफाइल पर सिंपली क्लिक करेंगे, कंटेंट और इसी के साथ में माय चैनल और लाइव स्टार्टिंग भी आप कर सकते हैं और आप यहां से लॉग आउट भी कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में आप सीख गए होंगे कि आखिर हम किस तरीके से वीडियो को तुरंत अपलोड करके भी यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। तो दोस्तों अगली वीडियोस में हम जानेंगे कि आखिर इस वेबसाइट से अर्निंग को हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। यूट्यूब की ये है, अगर आपके $100 हो जाते हैं तब आप यहाँ पर निकाल सकते हैं, पर इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपके $50 हो जाते हैं तब आप अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी वीडियोज़ को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।